नहीं तो अरुणाचल का जो फ्यूचर तो हम तो दिखा देते, उड़ना तो चपता हो जाएगा, ऊपर चाइना लेगा, इधर आपका दावे में बोर्डन देख रहे हो चकमल किस तरह का हल्ला करें। तो लीडर जो आपको असेंबली में भेजा, आपको सरकार में, तो आप कम से कम अपना जनता हित के लिए बात कीजिए ना। इस तरह का चुप छुपाए घूमते रहेगा, मैप नहीं दिखाता है, कभी पूछता नहीं। सर तो बाउंड्री इश्यू को लेके हम, तो आपको क्या लगता है सर, हमारे स्टेट गवर्नमेंट जानबूझ के इशू को सब करना नहीं चाहते, जितने भी बाउंड्री एरिया में रहने वाला लोग को तकलीफ भी देना चाह रहे, क्या लगता है सर आपको? इसमें हमारे स्टेट गवर्नमेंट का बाउंड्री इशू को सॉल्व करना चाहता, आप जो सवाल किया है उनको हम जिस तरह से देख रहा है इतना सीरियस नहीं है, क्योंकि अभी मैंने हमेशा बोल रहा हूँ ऊपर में चाइना है, नीचे में असम है, जा करके अरुणाचल का फ्यूचर कहीं भी सिक्योर नहीं है। अगर हमारा लीडर थोड़ा अपना आउट स्पोकन होके अपना जो ओपोनेंट पार्टी को, अपना दिल्ली गवर्नमेंट में जो पीएम है, होम मिनिस्टर है, अपना काउंटर पार्ट का सीएम को जब तक स्ट्रॉन्ग क्लेम नहीं करेगा, अरुणाचल फ्यूचर बहुत डार्क में है जी। तो सर आप किस तरह से आप इस बार जो स्टेप उठाएंगे अगर सरकार नहीं अगर कदम उठाते तो? कमेटी भी बनाया गया है, तो अपडेट भी अभी तक अपने डोमेन में नहीं है, तो आपके डोमेन में है सर? तो अभी हम लोग जो नामसाई डिक्लारेशन का उस तरफ से जब दोनों सीएम का इशू को शुरू हुआ था रिजॉल्व करने के, तो हम लोग खुश ही हुआ है। उसका बाद वो अपना रीजनल कमेटी बनाया पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट का, फिर सब रीजनल कमेटी किमी ने बनाया, हम लोग ने सारा पब्लिक ने इशू को रिजॉल्व करने के लिए अपना जो कुछ ज़मीन को डोनेट भी कर चुका था, चलो एक इशू सॉल्व करने को। लेकिन कल उस दिन पता चला है कि हमें खबर मिला है असम सरकार ने हमें एक आम का पेड़ में एक गुटी दिखाई दे रहा है, एक गुटी इधर है, एक गुटी इधर खाली वो लोग है, तो इसको हम लोग तोतेले अपोज किया। उस दिन 17 तारीख को असम वाला नाव बच्चा का सीओ भी आया, हमारा अपना किमिन का भी है, हम लोग उनको सर्वे करने नहीं दिया। आप जब तक आप अपना प्रपोज मैप और हम लोग जो रिपब्लिक जो एग्री है जो जैसे है उस मैप में अगर नहीं करेगा तो हम लोग ऐसे रह जाएगा। हमारा जो बुजुर्ग जितना जनरेशन से आदमी मर गया, आदमी गुजर गया, उसी मिट्टी के लिए गुजर गया, तो हम लोग भी रहने में क्या प्रॉब्लम है? तो हम लोग जी लेगा बोल के हम लोग उसको उस सर्वे को हम लोग ने पीसफुली हम लोग जाने दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैप हम लोग को नहीं दिखा सकता है। असम का काउंटर पर नाव बच्चे सीओ ने बोला कि हमारा हाई अथॉरिटी ने मैप को दिखाने के लिए पब्लिक को मना किया। जब आप सॉल्व करने जा रहा है तो जब हमको नहीं दिखाएगा तो ऐसे तो नहीं होता है। तो इसमें पता चलता है कि हमारा अपना सरकार बहुत कमजोरी है जी। तो सर प्रेस मीटिंग में आपने सरकार के ऊपर क्या क्या रखा है? हमने सरकार को ये रखा है कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब, होम मिनिस्टर बांगुन फेलिक्स, फॉरेस्ट मिनिस्टर मामा नातुंग और जो रीजनल कमेटी तावा तेदिर साहब और हमारा जो कंसर्न कमेटी है, आप लोग जब भी कोई फाइनल अगर करना चाहे पहले आप अफेक्टेड पब्लिक को पूछिए आपका विश क्या है। पब्लिक ऑल ऑल्सो रेडी है, हम लोग भी जनता भी रेडी है इशू को सॉल्व करने के लिए, लेकिन बिना बताए सॉल्व कभी नहीं कर सकते। अभी जो दो एक परिवार में एक पिताजी अब दो बेटा को नहीं पूछे तो सोल्यूशन तो नहीं होगा। ये लोरा बेलो का मेरा ख्याल से फर्स्ट ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ होगा, और भी बाकी बहुत है, बहुत लोग धीरे धीरे आएगा, इसलिए सरकार इसको सीरियस लेना है। अगर हम अपना क्लियर कदम, हमारा तापिर गांव साहब, किरण जीजू साहब, हमारा बराबर नाबूम रेबिया साहब, आप अपना सेंट्रल लीडरशिप को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कन्वे कीजिए, और असम का भी, असम में भी बीजेपी सरकार है, यहाँ भी बीजेपी सरकार है, उनका पॉलिटिकल एजेंडा है कि नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के पीसफुल लाना है। तो अगर ऐसे करना है, एक दूसरे को डोमिनेट करना है, जो जैसे रहेगा ऐसे करके बाउंड्री इशू को रिजॉल्व करना होगा, नहीं तो असम हम बराबर या बल्कि ज़्यादा मांगने से भी नहीं होगा। हम तो मांग ले पहले तो कुछ तो ले ही लिया, अभी और कितना लेगा? तो ये है, हम क्लियर कर, हम अपना जो जितना भी सेंट्रल लीडर से अपील करता है कि आप भी अपना लेवल में परसू कीजिए, आप सिर्फ चुनाव का टाइम में जनता का पास मत आइए, अभी जनता आपको देख रहा है आप लोग क्या कर सकते हैं। तो इसलिए ये आप आने वाला चुनाव 2024 है, हम तो अपना मंत्री ये जो किरण जो लॉ मिनिस्टर है उनको हम स्ट्रेटली रिक्वेस्ट करता है कि आप अपना लीडरशिप में सेंट्रल लीडरशिप को अपील कीजिए, जो जैसे रह गया, ये इशू सिर्फ हमारा किमिन सिर्फ नहीं, बालूपुंग से लेकर खोनसा तक है, जो जैसे हमारा पब्लिक उसको रहने दीजिए, जो जूम के थी उसको करने दीजिए, बीच में एक पैरेलल ले करके उसको बाउंड्री को रिजर्व कर दीजिए जी। वहाँ के लोग कहते हैं कि अगर कुछ भी बड़ा इशू कुछ भी होता है, मतभेद होता है, तो सरकार फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, क्या आपका कहना है सर? नहीं, हमारा लोरा बेलो का भी यही, हमारा भी सेम स्टैंड है, लोरा बेलो किमिन का कोई जो हमारा एक सर्कल है, हमारा एक डीसी सर्कल, काल को कुछ भी गलत इधर उधर रॉन्ग डिसीजन रहेगा, जनता आजकल तो आपको पता है लड़कों का पास नौकरी नहीं है, खेती बाड़ी सिर्फ करके खाना है, सब अपना जो कि मोदी जी ने कहना है आत्मनिर्भर बगीचा वो कुछ कुछ शुरू करें, तो सब लोग उधर शुरू करें, उसको भी अगर इंक्रोच कर दिया जाएगा तो लड़का लोग तो नॉन वायलेंस में चला जाएगा, अपना ज़मीन को अपना खेती बाड़ी बचाने के लिए कुछ करेगा, फिर बाद में सरकार ने बोला है कि पब्लिक ने गलत किया, इसलिए इस बार जैसे भी हो
सरकार अपना तरफ से क्लियर कट स्टैंड देना है कि अपना पब्लिक को बचाना है, और पब्लिक भी हम लोग भी रेडी है इशू को रिजोल्व करने के, लेकिन हमें बताइए ना तभी तो हम रिजोल्व करेगा। तो ये मैसेज हम क्लियर सरकार को क्लियर कर देता है कि आप लोग भी एक स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, नहीं तो अरुणाचल का जो फ्यूचर तो हम तो दिखा देता है, वरना तो चपता हो जाएगा, ऊपर चाइना लेगा, इधर आपका दायम बोर्डन सब देख रहे हो चकमा किस तरह का हल्ला करे। तो लीडर जो आपको असेंबली में भेजा, आपको सरकार में, तो आप कम से कम अपना जनता हित के लिए बात कीजिए ना। इस तरह का चुप छुपाए घूमते रहेगा, मैप नहीं दिखाता है, कभी पूछता नहीं। और पहले हम लोग सरकार और भी बताया कि हम लोग अपना अपना लेवल कमेटी बना रहा था, ये कमेटी ऐसा नहीं किसी अगेंस्ट भी नहीं अपोज भी नहीं, सिर्फ वही कि किस तरह से हम लोग इसको मैप बना के एरिया दिखा के रिजोल्व करना है, उसी तरह से हम कमेटी बना रखा। थैंक यू सर।